अब आप जो जैसे डकैती कर रही है, कैसे करोगे डकैती आप? मुझे डकैती करनी है। हाँ, आप कैसे करोगे? मैं पहले प्लानिंग करूँगी। प्लानिंग करोगे, फिर क्या करोगे? जहाँ डकैती में मौके पे चौका मारना होता है ना, वैसा वैसा जाके डकैती कर लूंगी। और छाती में रखने दीदी दीदी कुछ तो कहना पड़ेगा ना सर, ऐसे ये क्या डकैती हो रही है? भाई साहब प्लीज ना, ये देखो बंदूक उठाया, ठीक है। एनिमी का कौन सा हाउस है? ओपन एनिमी का कौन सा हाउस है? ठीक है ना, ओपन एनिमी इज 7। तो अब जो है जिसके ऊपर डकैती हो रही है, मैं वो बता रहा हूँ, डकैत का नहीं बता रहा, जिसके ऊपर डकैती होनी है उसके सामने एक ओपन एनिमी आएगा जो उसके सामने गन रखेगा। और दीदी करेगा अगर गन, मतलब है कि उसकी इंसल्ट करेगा, डराएगा, धमकाएगा और उसको लॉस देगा। यही है ना कि पहले ओपन एनिमी आए। आठ इंसल्ट करेगा, 12 लॉस करेगा। अब मैं तो आपको बता कर तो नहीं होगा, भाई साहब जरा ना डकैती करनी है, भाई साहब हाँ अपना गैरेज पे आ जाना, मैं ना चाबियां शाबियां संभाल के रखना, मैं यह तो नहीं ना, अचानक आऊंगा ना। तो अचानक के लिए कौन है? राकेश। राहु केतु सर, शनि। राकेश का क्या मतलब है सर? राहु केतु शनि। तो राहु केतु का पीरियड राहु केतु में भी होना चाहिए, दो होगी। सब जी नहीं, ये डकैती मतलब कि वो जो फायदा उठाते हैं। डकैती का मतलब है तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ूंगा, हाँ। फोर्स होता, ठीक है, मम्मी ने खोला या तूने खोला, प्लीज धमकाऊंगा, फिर आपसे पैसा मांगूंगा ना कि तुम पैसा दो मेरे को, गोली मार दूंगा। तो ओपन एनिमी आऊंगा, इंसल्ट करूंगा और तुम्हें नुकसान देगा, लेकिन अचानक करूंगा। राहु केतु अचानक है, एक्लिप्स अचानक होता है ना, अंडरवर्ल्ड अचानक काम करता है ना, ठीक है। टैक्स यूं थोड़ा लेते हैं जी, आप टैक्स जमा करा देना, इनकम टैक्स, वो तो आज आएंगे और छीन के ले जाएंगे, ठीक है। तो ये डकैती, ठीक। अब अगर डकैती ऑन सेक्सुअल ऑर्गन्स, तो इसमें वीनस ऐड हो जाएगा, ठीक है, एनडीबी इन दशा भुक्ति अंतर में एक राहु केतु में से एक होना चाहिए, एक वीनस होना चाहिए। जैसे राहु की दशा वीनस की भुक्ति, तीसरा कोई भी, वीनस की दशा राहु की भुक्ति, तीसरा कोई भी, केतु की दशा वीनस की भुक्ति, तीसरा कोई, जुपिटर की दशा वीनस की भुक्ति, केतु का अंतर, ठीक है। अब यह है कि इफ 7 8 12 इज इन मेजॉरिटी प्लैनेट्स, तो रोज तो नहीं होता, रोज ना तो डकैती होती है ना डकैती ऑन सेक्सुअल ऑर्गन होता है, तो फिर इस 7 8 12 का मीनिंग चेंज हो जाएगा। क्या मीनिंग चेंज आएगा? क्योंकि रोज हो रहा है, 7 बिकम्स बिजनेस, 8 बिकम्स सेक्स, 12 becomes bad. तो अगर 9 में से 5-6 प्लांट्स में होगा, then it is business of sex on bed. Five at 12 और 7 at 12 में दोनों में सिर्फ 5 और 7 का फर्क है। 5 क्या है? उसके अंदर लव है, 7 के अंदर लव नहीं है, समझ आ गई सर? 7 8 12 अब ये विदाउट लव हो रहा है, अब
विदाउट लव हो रहा है तो इसमें तो मजा आएगा, इसमें मजा नहीं आएगा क्योंकि इंटीमेसी तो है नहीं। लेकिन अगर दोनों ही मिल गए तो क्या होगा? अगर मैं ये दोनों मिला दूं, कभी ठहरो एक मिनट, अगर मैं 11 ऐड कर दूं क्या होगा? पैसा ज्यादा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा पहले भी, दैट इज कमर्शियल सेंस, बिजनेस हो सकता है, बट वो उतना ही मिलेगा, उसकी दाल रोटी चलती है। 11 होते ही गेन ज्यादा हो गया, गेन तभी मिलेगा जब कुछ डिफरेंट होगा, तो कौन क्यों ज्यादा पैसा देगा पैसा? इसका मतलब उसके अंदर 5 होना लाजमी है, साथ में जरूर ऐड होगा। 5 का मतलब अब ये लव नहीं है, ये लव दिखाया जा रहा है क्योंकि पैसा चाहिए। तो इट इज चांस, शोइंग चांस फॉर गेनिंग मोर मनी आउट ऑफ सेक्स। तो अगर लड़के की कुंडली में अगर ये सब आ रहा है बहुत ज्यादा, तो हाउ ही इज, उसको परचेज कर लेंगे क्या? तो जो प्ले बॉय घूमते रहते हैं वो उनके उनकी कुंडली में ये सब रहता है 7 लीटर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दोस थिंग्स, टेल समवन एल्स, टेल समवन एल्स, ओके। और ये ज्यादातर जो होगा ये 311 के साथ होता है। ओके, 3 क्या होता है? कम्युनिकेशन, कॉल, या ये आपको एज अ मॉडल भी मिल जाएगी, एज अ एक्ट्रेस भी मिल जाएगी, सब मिल जाएगा, बिकॉज वो चीज प्रदर्शनी हो रही है उसकी। जब चीज प्रदर्शित हो जाएगी तो दुनिया पागल होगी। महिला शरारत, सन्नी लियोनी दीदी जो भी हैं, जितनी भी खूबसूरत दुनिया भर को लगती हो, लेकिन अगर आप अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इराक, ईरान, कश्मीर चले जाए तो आप देखेंगे कुछ भी नहीं। इट इज ओनली द कॉम्बिनेशन व्हिच मेक्स देम अट्रैक्टिव, पीपल आर रनिंग आफ्टर, इट्स ओनली द कॉम्बिनेशन व्हिच मेक्स। 311 इज कॉल, 5 इज शोइंग द चांस, 7 and 12 इज प्रोस्टिट्यूशन, बट बस और कुछ नहीं। टोटल कॉम्बिनेशन का मतलब फिर सर बिजनेस है ना, दोनों बिजनेस कर रहे हैं, कोई दे रहा पैसा, वो ले रहा, कौन दे रहा, कौन ले रहा, बेकार टेंशन। अब इसके बाद है, इसके बाद है नेचर ऑफ अ पर्सन। हर आदमी के अंदर हर टाइप की नेचर होती है। किस टाइप की नेचर? हर एक आदमी को गुस्सा आता है, गुस्सा हर एक पे होता है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। एग्रेशन, कॉम्बिनेशन मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, डकैती इज एग्रेशन, रेप इज एग्रेशन, पेड सेक्स इज एग्रेशन, देयरफॉर 7 and 12 इज एग्रेशन। इसके बाद है लविंग एंड केयरिंग नेचर। लेकिन मेन जो है वो 6-8 चाहिए, वही बदमाश है उसे, मेन 8-12 चाहिए क्योंकि मेन बदमाश है। लविंग एंड केयरिंग इज 2-5-9-11। क्यों? मैरिज का वही है, जब आदमी घरेलू होना चाहता है, प्रेम करना चाहता है, प्रेम निछावर करना चाहता है, पाना कुछ नहीं चाहता, और 5-11 प्लेटोनिक लव है, 9 भी उसका सपोर्ट रहा, तो दिस इज लविंग एंड केयरिंग नेचर। आपको यहाँ पर आओ, पानी मिलेगा, रोटी मिलेगी, चाय मिलेगी, सर नाइस, एसी वैसी सब घर में किसी का जाओ प्रॉपरली बात, ये हो
इसके बाद और किस टाइप का नेचर होता है? कोल्ड नेचर। कोल्ड नेचर का मतलब क्या हो गया? लड़की बीवी ने कहा मैं कल ग्रीन साड़ी पहनी थी ना, कैसी लग रही थी? अच्छा साड़ी तो नहीं, तुम इंडिफरेंट सेल्फ सेंटर्ड। कोल्ड नेचर सेल्फ सेंटर्ड भी वन है, नॉट इंटरेस्टेड। आप यहाँ पर आए हो चाहे नॉट इंटरेस्टेड, चाहे आप घूमने पानी की तरफ क्या क्या कुछ पता नहीं, आप बैठे हो नहीं बैठे हो मुझे क्या लेना। एग्रेशन नेचर वाले जो लोग है उनको राहु केतु के टाइम में मतलब फाइनेंशियल लॉस ऐसे हो सकता है, रास्ते में कोई आके मार दे ऐसा। सर राहु केतु में पता है डकैती, रेप, कत्ल का भी यही, डकैती के टाइम में गोली लगी सकती है, गलती से ही दब जाए उसी में, जब नकली होगी तभी तो दगेगी, यहाँ पड़ी पड़ी तो नहीं लगेगी। बिल्कुल सही कह रहे। इसके बाद है सेंटीमेंटल, कुछ लोग सेंटीमेंटल ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सेंटीमेंटल होते हैं, कैंसर असेंडेंट, मून इन असेंडेंट, स्कॉर्पियो असेंडेंट, पाइसेस, स्कॉर्पियो पाइसेस। जो सबसे ज़्यादा सेंटीमेंटल कैंसर होता है, कैंसर सेंटी कम मेंटल ज़्यादा। सही बात, और फिर शाइना पानी इन्होंने देखा कि मेरे से तो उतना पूछा नहीं, अब इनको दिल पे लगी और ये फिर वहीं पर ही रोना धोना शुरू हो गया, कैंसर का खास। लेकिन 60 करोड़ होते हैं कैंसर में, सारे भी रोने लग जाएंगे, वो रोएंगे जिनके मुंह में कुछ प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी अभी मैं समझा, क्या प्रॉब्लम होगी? ये प्रॉब्लम। और सर मून अगर खराब है तो फिर रोने लग जाएंगे, तो वही वही रोना धोना शुरू हो जाएंगे जी, सब कुछ नहीं हो गया, और लड़की है इसीलिए उसने पीला सूट पहना है, हम भी पीला सूट पहन के आ जाएंगे, वही रोना शुरू कर देगा। लेकिन अगर वो 5, 9, 11 उसमें होगा तो वो चुप कर जाएगा, फील तो कर जाएगा लेकिन चुप करके चला जाएगा, कहेगा फील जरूर कर जाएगा। जो एरीज वाला नहीं करेगा, टॉरस वाला नहीं करेगा, वो केयर भी नहीं करेगा, टॉरस वाला तो केयर भी नहीं करेगा। टॉरस सेंडिंग टू है, मेरे को तो बहुत फील होएगा, देखना पड़ेगा। सबसे बैलेंस अनबैलेंस साइन कौन सा, सबसे बैलेंस साइन कौन सा? बैलेंस कौन सा तत्व है? ठीक है, अनबैलेंस तत्व कौन सा है? वाटर, एयर, ज्यादा ज्यादा एयर। लिब्रा क्या है? एयर है, अर्थ है? नहीं, लिब्रा अर्थ है, ओ एयर है, लिब्रा एयर है, 370 वो वाला फिक्स है, 370। सबसे ज्यादा मून बैलेंस आउट किनका होता है? लिब्रा से, हैंस प्रूफ। लेकिन ज्योतिष की किताबों में क्या लिखा है? क्यों बैलेंस लिखा है? कॉमन मैन माइनस कॉमन सेंस इज इक्वल टू टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि टीचर ऑफ एस्ट्रोलॉजी ने कभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी, उन्हें तो पढ़ाई है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि इसको देखेंगे कैसे, कॉम्बिनेशन तो है, इसको देखेंगे कैसे। पहले असेंडेंट चेक कर, फिर प्लैनेट इन असेंडेंट, लॉर्ड ऑफ असेंडेंट, फिर मेजॉरिटी प्लैनेट्स, फिर
ये स्टेप बाय स्टेप उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम देखेंगे। क्या है सर ये सेकंड क्या है? प्लैनेट असेंडेंट लॉर्ड ऑफ असेंडेंट। अच्छा, जैसे कैंसर असेंडेंट ना, तो लॉर्ड ऑफ असेंडेंट इज मून, एरीज असेंडेंट लॉर्ड ऑफ असेंडेंट इज मार्स। अगर टॉरस असेंडेंट है तो वीनस। वीनस देखेंगे, वीनस का सर, वीनस में 7-8 बार आते हैं। लेकिन वो फिर हिलने लग जाएगा तो फिर पूरा हिल जाता हूँ, क्योंकि आरती है ना, फिर वो अगर हिल गया तो फिर सबको हिला देगा, सभी का दबा देगा। हाथ में क्या होता है, हाथ एलिमेंट में क्या होता है, वो बाकी ऊपर चढ़ जाता है। अब देखते हैं कि इसको हम देखेंगे कैसे, हॉरोस्कोप लगाना पड़ेगा। कभी यार छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, किसी पागल नहीं 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 आप नीचे करोगे ना तो ये पूरे चेंज हो जाते हैं कॉम्बिनेशन। एक्चुअली क्या ये ना हाफ पता नहीं है गायब क्यों हो गया, मुझे नहीं पता। नहीं नहीं अच्छा, वो एक्चुअल में टाइम एकदम से बदल, हाँ चलो बदल 153 में अगर करते हैं ना तो ये पूरे कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हैं एक मिनट पे। ये नहीं होगा, 154 होगा, क्योंकि वो 512 आ रहा है ना आपका, तो वो आपका प्रोफेशन के लिए खराब है, तो बिना में जुपिटर खराब है। अब देखो आपका शनि आगे बढ़िया आ रहा है, तो इसलिए आपका थोड़ा परेशानी चल रही है, जैसे आपका शनि आएगा इसमें 11 आ गया तो वो आपकी ठीक हो जाएगा, इसलिए मेरे को ध्यान था शायद 6 महीने में, तो ध्यान नहीं, वो आधा चल नहीं रहा यार। अच्छा, ये आधा नहीं रहा ना, देख नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं दे रहा, तो कर लेंगे। अभी नेचर पढ़ा रहा हूँ मैं, एक मिनट नेचर कर लेते हैं। 26 जनवरी 54051 ठीक है। अब ये हॉरोस्कोप हो गई, अब हमें इसका नेचर देंगे, किस टाइप का आदमी, ठीक है। तो पहले क्या करना है हमको, चेक असेंडेंट, असेंडेंट कौन सा, लिब्रा। लिब्रा का मतलब आधा पागल, आधा पागल ये तभी होगा, ऐसा 60 करोड़ सारे पागल ही रहे, आधा पागल तभी होगा जब उसके वीनस में कुछ प्रॉब्लम होगी, या फिर उसके अंदर जो प्लैनेट बैठे हैं असेंडेंट में उनमें कुछ प्रॉब्लम होगी। कौन बैठे हैं, मंगल और शनि और वीनस। लिब्रा का लॉर्ड कौन है, वीनस। तो वीनस भी देखना है और मंगल शनि भी देखना, असेंडेंट और ये देखना। ये क्या बता रहा है, 26 जनवरी, अच्छा वो हो सॉरी ये डाल दिया, क्या बता रहा सर, 138 10 11 127 ठीक है। ये है इसमें 7-8 और ये सेपरेटेड है, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, 2168 है।
सिक्स नहीं है, मेनली प्रॉब्लम सिक्स एट और ट्वेल्थ ही होती है, वो नहीं है। टू फाइव नाइन इलेवन है, टू इलेवन है, ठीक है। वन टेन तो कोल्ड नेचर है, उसमें कोई झगड़ा तो नहीं है, इसका मतलब कोई झगड़ा वाली बात नहीं है या डिप्रेशन वाली बात नहीं। अब आ जाते हैं हम शनि पे, प्लैनेट इन असेंडेंट, शनि यहाँ बैठा हुआ, तो हमें ये देखना है शनि क्या बता रहा है। 2168 डिप्रेशन, 7812 8 12, ठीक है। इसका एंटी कॉम्बिनेशन नहीं है, है तो है, साथ में अगर पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है वो उससे ठंडा जरूर हो जाएगा, लेकिन एक बार गुस्सा दिखा देते हैं, निकाल नहीं सकते। तो इसका शनि डिप्रेशन भी बता रहा है और एग्रेशन भी बता रहा है। और मार्स का है वो क्या बता रहा है, 2168 डिप्रेशन। अब अगर बातें देते हुए आप जागरूक कहोगे कि मंगल डिप्रेशन दे रहा है, शनि एग्रेशन दे रहा है, सुसाइड कर, शनि उच्च का योग कर और ये इसको गोली बना दे, ठीक है। तो अब क्या होगा, डिप्रेशन भी है एग्रेशन भी है, तो क्या मतलब हो गया, गुस्सा भी बहुत आएगा तो इसको बाइपोलर प्रॉब्लम। लेकिन ये इतनों से नहीं है, मेजॉरिटी ब्रांड बताने चाहिए, तो वो एक ने बता दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आ जाते हैं डिप्रेशन कितने ब्रांड बताते हैं, देखो कितने बता रहा है, केतु बता रहा है, सन भी बता रहा है, सन बता रहा है, मून बता रहा है, मार्स बता रहा है, राहु बता रहा है, शनि बता रहा है, जुपिटर बता रहा है, बस और तो कोई बता रहा है, बस इतना ही जो भी है बस इतना ही बता, ठीक है। अब एग्रेशन देख लेते हैं, केतु बता रहा है, सन बता रहा है, राहु बता रहा है, शनि बता रहा है, मरकरी बता रहा है, ये बहुत चीज़ों पर अप डाउन दबाव। अब इसका मतलब ये आधा पागल है, और जैसे राहु में शनि का पेड़, शनि में राहु का पेड़, शनि में मरकरी, शनि में केतु, तो ये तो हम कंपेरेट कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड देख लेंगे ना, तो मामला गड़बड़ा है। अब एक और देख लेते हैं, इस पे पहले बताओ कि असेंडेंट कौन सा, टॉरस, टॉरस क्या है, अर्थी स्थिर। अब इसका वीनस देखना है, जेट असेंडेंट प्लैनेट इन असेंडेंट, प्लैनेट असेंडेंट मून और लॉर्ड कौन है, वीनस। तो वीनस कैसा है इसका, इसमें डिप्रेशन है, 2168, ठीक है। मून में क्या है, डिप्रेशन है, 2168, ठीक है। अब डिप्रेशन किस किस में, वीनस, मून, राहु, जुपिटर, मरक्यूरी, बस इसमें ये ज्यादा नहीं, तो ये डिप्रेसिव नेचर का है, ये एक ही प्रॉब्लम है इसको, ये एग्रेशन नहीं है, इसमें रोता ही रहेगा। अब इसमें डबल प्रॉब्लम है, एक सेंटिमेंटल है, एक डिप्रेसिव है, मून असेंडेंट है, क्योंकि मून में असेंडेंट है। अब ये उच्च मत कर देना यार, ये नीच का है, ये नीच का जन्म है, बैठा ऊंच में है लेकिन देख नीच की तरफ है, समझ गए ना, तो ये खेल रहा है वो ऊंच नीच का पापड़ा। हमें कॉम्बिनेशन देख रहा है, हमें तो मतलब नहीं कौन सी, साइन इज नॉट इम्पोर्टेंट, नक्षत्र, सब लॉर्ड आदि इम्पोर्टेंट थिंग्स, और फिर सिर्फ उच्च करके सब चीज़ों के लिए उच्च नहीं करना। डिप्रेशन अलग चीज़ है, मैरिज अलग चीज़ है, लव फेयर अलग चीज़ है, डिप्रेशन है 5-8, 5-12, 5-8-12,
5-8, 5-8, 5-8, 5-6-8, 5-6-8, 5-6-8, ये भी है, मतलब लव टूटते जा रहे हैं, रोता जा रहा है, टूटते जा रहे हैं, रोता जा रहा है, कंधा नहीं मिल रहा, कंधा कंधा मिल गया फिर टूट गया, फिर दूसरा कंधा, इन शॉर्ट देवदास है, हाँ इन शॉर्ट देवदास ना, तो ये इससे पता चल जाएगा क्योंकि इसका दिल टूट जाता है, और दिल टूट जाता है इसी वजह से पता होता है ये सर। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया, बैठ यार कहाँ बैठाऊँ सर, ये क्या अच्छा डब्बा, वेरी गुड वेरी गुड, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पागल नहीं भी होते, मतलब जैसे ये भी हो सकता है, एक छः दस दो सात ग्यारह बराबर कॉम्बिनेशन मिले तब, हाँ एक छः दस भी है दो सात, अगर बेनिफिट्स हैं सर तो क्या होएगा कि दोनों अर्थ को अलग अलग रहना पड़ सकता है बीच बीच में ट्रांसफर्स के लिए, या लेडी का सवेरे का शिफ्ट होगी उसकी शाम की होगी, और एक छः दस के साथ अगर 8-12 जुड़ जाएंगे और मेलेफिक हो जाएंगे साथ में तो डिवोर्स हो जाएगा, नहीं तो फिर ये सब ही चलता रहेगा। अब आ जाते हैं हम, अब इसका असेंडेंट देखते हैं, असेंडेंट क्या मंगल, दो मिनट है इतने देर सीट बना अच्छा उनकी तरफ से सौजन्य निरंजन निरंजन अब मार्स देखना है, मार्स कैसा है असेंडेंट इज एरीज, मार्स का था 8-12, मार्स में है 8-12, 8-12 7-8-12 का ही पार्ट है, तो गुस्सा 7 नहीं होगा तो चलेगा, 7-8-12 ये और ए सॉरी 8-12 है नीचे 12-12 है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, नीचे तक सपोर्ट कर, ठीक है उससे बात, सन क्या कह रहा है ओके, जुपिटर क्या कह रहा है ओके, मर्करी क्या कह रहा है ना डिप्रेशन ना एग्रेशन, ठीक है ना, इट मींस गुस्सा आएगा तो कुछ कंट्रोल करने का भी उम्मीद है। सर ये जुपिटर में 12-12 तो एग्रेशन तो है ना, नहीं 12-12 से नहीं है, अच्छा सिंगल कुछ ऐसा खास नहीं करता, जब तक दो नहीं होते तब तक एग्रेशन नहीं करता, अगर सेम दो बार है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई ज्यादा लंबा थोड़ा फर्क नहीं, लेकिन अगर 5-5 है तो अब उसमें 9-11 भी तो है ना, वो लविंग एंड केयरिंग का ज्यादा है, स्ट्रेंथ बढ़ गई उसकी, 12 की नहीं है तो उसका एंटी डॉट ज्यादा बन गया है ना। अब सारे प्लैनेट देखने, केतु कैसा, उसमें कुछ ना डिप्रेशन ना एग्रेशन, वीनस में एग्रेशन है, सन में कुछ नहीं ओके, मून 5-11 ओके, मंगल गुस्सा, राहु ओके, जुपिटर गुड, शनि मंगली ओके ओके, तो इसका इसका मतलब मेरा नहीं है, इसका मतलब कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एक कोई खास गुस्से वाला आदमी नहीं है, इट्स ओके ओके, ठीक है। इस तरीके से हम मतलब नेचर के बारे में मतलब चेक कर सकते हैं कि भाई नेचर जो है वो किस तरीके का रहेगा, किस समय उसके पास जाना है, किस समय नहीं जाना है, ठीक ना, एग्रेशन का टाइम पीरियड अगले का चल रहा है तो शांति रहे तो अच्छा, मार्स की उसकी मार्स से मतलब कोई नहीं, हमने तो मार्स की बात ही नहीं, कोई भी प्लेनेट है गुस्सा दिला सकता, मार्स का तो कोई मतलब मार्स का रोल ही नहीं है, नहीं इसमें जैसे मार्स ही दिखा रहा है सिर्फ गुस्से का कॉम्बिनेशन, वीनस भी दिखा रहा है, हां मतलब अगर मार्स और वीनस
इसकी अंतरदशा या दशा में है तो मतलब कभी कभी गुस्सा आ सकता है। हाँ, हाँ, आएगा लेकिन नॉर्मली इन जनरल गुस्से वाला आदमी है, ये ऐसा हो जाएगा यार तनु इतनी में गुस्सा आ गया पर नॉर्मली इज नाइस पर्सन। पहले तो दिखाए थे वो मैंने ज्यादा मतलब से दिखाए थे कि वो अनकॉमन टाइप है, ये कम हो गए, ज्यादातर पब्लिक तो अच्छी है, ज्यादातर लोग तो अच्छे हैं, हमारे पास तो लेकिन प्रॉब्लम वाले लोग ही हैं, प्रॉब्लम वाले देखो जिनके अच्छे हैं ठीक है, ऐसी वाली औरस्को अभी उसकी वाइफ बोले नहीं ये बड़ा पैड़ा आदमी है ये है वो, तो आप समझ लो उसकी बीवी का औरस्को देखने की जरूरत ठीक है ना, तो उसकी माता पता अपनी बीवी अपने लिहाज ठीक है। इसके बाद है मैचिंग औरस्को, कुंडली मिलान, बेटा भी आपका? मेरी दो बेटी हैं। दो बेटी, एक की हो गई शादी? दोनों की हो गई, मैं नानी की हूँ। अरे भाई अच्छा पुलिना जी आप मेरे तो मतलब दो बेटियाँ, अब ये दोनों बेटियाँ समझ लो आपकी हैं, इनकी शादी करनी है, आपको ज्यादा पता होगा उसी में तो राधे पंडित बन गए, दो बेटियों की शादी कराने में कुंडली बाबा रे, शुरू शुरू में जो पंडित लोगों ने दौड़ाया वो मांगलिक कर करके तो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मैंने, जब मैंने ऐसा पता नहीं था कर करके इतने अच्छे अच्छे रिश्ते मैंने खो दिए, मेरे दोनों बेटियां मांगलिक, तो पंडितों ने इतना दौड़ाया फिर वो इतना दौड़ते दौड़ते ही मेरे दिमाग में लाओ मैं खुद ही देख क्या करूँ मैं इसमें। तो आप बताइए इनकी शादियाँ करनी है तो कैसा लड़का होना चाहिए, पहले तो हम देखेंगे लड़के की कुंडली में, कुंडली नहीं देखेंगे, एक अच्छे हस्बैंड के क्या गुण, अच्छे हस्बैंड के एजुकेटेड, जैसे आपके हस्बैंड हैं आपको छोड़ के मतलब कैसे, नहीं मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, अच्छे चलो अच्छे हैं, तो फिर वो उनके उनमें क्या क्या गुण है वो बताओ, उनके अच्छा एजुकेटेड, अच्छा नेचर, पैसा भी चाहिए, वो भी बहुत बड़ी बात है, एक जो है पहली चीज है पैसा, मतलब जो है उसके बाद अच्छा पहले तो एक करके ना धीरे धीरे प्यार फाइनेंस मनी, तो कम से कम मतलब दो बार जो है साल के अंदर सिंगापुर या दुबई में शॉपिंग करने जा रहे और एक बार यूरोप का टूर ठीक है, तो कम से कम इतना तो पैसा हो ठीक है, एक तो सर आप फिर ही तो कुंडली मिला कर रहे हैं, तो कुंडली मिलान कर रहे हैं तो एक अच्छे रिश्ता पक्का हुआ है, रिश्ता पक्का हुआ कुंडली मिलान में ये बताइए कि लड़का जो अच्छे लड़के जो अच्छा हस्बैंड, वैसे तो बड़ा मुश्किल है मिलना ऐसा कुछ बनाना पड़ता है जो मिलता है ठीक हो जाए बाद में ठीक कर देते हैं उसको, लेकिन लेकिन फिर भी उसमें कुछ तो ऐसे क्वालिटी हो कि ऐसा उसको हम कर सकते हैं, अब जैसे अफगानिस्तान से ले फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर तो वही करेगा जो करेगा, शेर सामने आया क्या करोगे, तो शेर ही करेगा ठीक है सर, उससे कैसे वो कैसे पता चलेगा कि वो ऐसा ही है, दूसरा जो है सवेरे उठ के वाइफ को चाय पिलाए बैठी, उसके बाद बच्चों को नहला धुला के स्कूल छोड़ाए और जाए जॉब पे और लंच बना के जाए, वापसी में घर आके अपना डिनर विनर बाहर ले कराए, तो इस तरह से लविंग एंड केयरिंग उसका नेचर होना चाहिए, बच्चों को होमवर्क तो वही कराएगा,
अच्छे हस्बैंड की मैं क्वालिटीज बता रहा हूँ, मतलब ठीक है, कहीं गलती हो मेरे से तो मेरे को आप गलती सुधार सकते हैं। दो ट्रिप, एक ट्रिप दुबई, एक ट्रिप सिंगापुर और एक यूरोप का मस्ट है या फिर अमेरिका, तो इतना पैसा हो उसके पास। और बताइए, अच्छी फैमिली से हो, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छी हो, फैमिली बैकग्राउंड। और बताइए, मतलब विजय माल्या का बेटा हो, एजुकेटेड एजुकेटेड, उसके माँ बाप भी एजुकेटेड होने चाहिए, वो तो बहुत अच्छा है, वो बोनस। और बताइए, वेल मैनर्ड, लविंग एंड केयरिंग, हाँ उसमें ठीक है, और हाँ यू आर राइट, उम्र लंबी हो, सारी जिंदगी सेवा करता है, सारी जिंदगी ये काम वो करता रहे, लंबी उम्र है, ऐसे बच्चे की लंबी उम्र है, ठीक है। और मैं बता देता हूँ इसमें हो गया प्रोजेनी, यस करेक्ट करेक्ट, यस बस, और कोई और कुछ और आइटम है जी, ठीक है। अब अगर लंबी उम्र होगी तो उसके कुछ पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होंगे, कुछ नेगेटिव, पॉजिटिव कौन से होते हैं यही हमें देखना है ना। 1, 5, 1, 5, 9, 10, 11 नेगेटिव आर 6, 8, 12 बाधक, ये कम से कम हो, ये ज्यादा से ज्यादा। हेल्थ अच्छी हो 2, 5, 9, 11 नेगेटिव आर 1, 4, 10, 6, 8, 12 फाइनेंस 2, 6, 10, 11 मनी करियर गुड करियर 2, 6, 10, 11 बैड करियर 6, 8, 12, 5 लविंग एंड केयरिंग 2, 5, 9, 11 7, 8, 12 डिप्रेशन प्रोजेनी 2, 5, 9, 11 1, 4, 10 6, 8 करेक्टर 5, 8, 12 फैमिली बैकग्राउंड आई डोंट हैव एनी आंसर, वो उस वो उसके लिए पत्री देखने की जरूरत है। अच्छा 5, 8, 12 जिनके ज्यादा होंगे वो कैरेक्टर से बंदा कैरेक्टर से मामला करवा दे, दो तीन ब्रांड में है तो चलेगा, दो तीन में तो चलता है, चलेगा, एक आधा लव नहीं, एक आधा लव हो जाए अगर जैसे एक दो में है और वही उसी की महादशा आ रही है फिर ये दो में है तो नहीं, तीन मतलब होने के लिए कम से कम 3 मिनट चाहिए, लेकिन बंदे का कैरेक्टर खराब जो आप कहते हो वो फिर मेजॉरिटी ब्रांड में जब तक 5, 8, 12 है तब तक हम नहीं कह सकते कैरेक्टर का, एक आधा लव तो फिर तो बंदा लव ही नहीं करेगा, फिर बोले लव नहीं करता तो वो लव ही नहीं आता, तो कैसा हस्बैंड लव ही नहीं करता, हाँ इसी में देखता ही नहीं मेरी तरफ, यू नो ही डजंट लव मी, यू नो ठीक है। तो मेजॉरिटी में अगर ये होगा तो ठीक है, एक दो प्लान तीन में ये भी है चलता, वरना तो आई एस एल ने कभी कभी छोटा मोटी प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, ठीक है। और कुछ देखना है, अच्छे अच्छे हस्बैंड है सर, बताइए आप बताइए को अच्छे हस्बैंड कुछ हो सकते, बस ये लॉन्ग मैचिंग में क्या करना है, हमारी लड़की जैसी भी हो हमें देखना है कि उसका जो प्रोस्पेक्टिव ब्राइडग्रूम है उसके अंदर क्या, हमारी बेटी अगर काम नहीं करती हाउसवाइफ है तो कमा के तो उसी ने लाना है ना, यू नो ही मैरिड ना, ही मस्ट नो इट, ही मस्ट नो हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन। मेरी बेटी लड़ती है, बीवी उसकी है
वो जाने हमारा क्या मतलब है, मियां बीवी आपस में लड़ते हैं झगड़ा करें, हमें क्या करना। नहीं वो मम्मी जी पीछे मारा वो था उसने पीछे आया, ड्रग्स भी नहीं मिली। बेटा जाओ क्लिनिक पे, वहाँ जाओ, हमारे पास क्या करने आए हो आप, हमारे पास मत आओ, उधर जाओ। जब उसने मारा था तो घूमे क्यों, मुंह पे खा लेते, तुम्हारी आदत है। ऐसा क्या किया कि जो तुमको मार पड़ी, ऐसा काम क्यों करते हो आज तुम्हें हाथ उठाना पड़ रहा तुम्हारी बीवी को, ऐसा काम क्यों करते हो तुम। हमारी बेटी कहाँ जाती आती है, तुम कौन होते हो पूछने वाले, तुम अपना काम करो, कमा के लाओ। ठीक है, अब हमें एक अच्छी बहू चाहिए। अच्छी बहू कैसे, अच्छी वाइफ। सर कभी आपने देखी हो अच्छी वाइफ? सर मेरी वाइफ बोलती है कि उसकी बहन का हस्बैंड सबसे अच्छा है। हाँ, तो और उसका जो भाई है वो सबसे लकी दुनिया का, और सबसे स्मार्ट जो है उसका बाप है। पता नहीं शादी किसके साथ हुई मेरी, मेरी तो कभी आज तक काउंटिंग की नहीं उसने कहीं भी। आप चुप रहो, आप क्लास से बात चले जाओ। बताइए सर एक अच्छी वाइफ कैसे होती है। लंबी उम्र हो, हेल्थ अच्छी हो, पैसा कमा के लाए, मेरा बेटा तो काम करता है। शी शुड रिस्पेक्ट हूसोएवर कम्स एट होम, बच्चा पैदा करने की क्षमता, करेक्टर अच्छा। Same thing we have to see from the yes. और हमें क्या तो कुंडली मैच, लड़के वाले आएंगे तो लड़की की देखेंगे, लड़की वाले आए तो लड़के की। और कोई चीज होती है सर कुंडली मैच में? मंगल क्या करेंगे? नो के नो प्लैनेट, मंगल क्यों नहीं? नहीं नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। आपको कॉमन सेंस देखा ना, आपने मंगल सेंस थोड़ा देखा। मंगल सेंस से क्या मतलब, कॉमन सेंस। हमें तो अच्छी वाइफ चाहिए, तो हमें अच्छी वाइफ देखनी है। मंगल देख के क्या करेंगे, हमें तो नो प्लैनेट देखना है। अगर मंगल ही देखना है हमने, तो बाकी आठ प्लैनेट क्या, स्विट्जरलैंड घूमने गए। सही राकेश क्या कर रहे देखना मंगल पूछ तो ले। बोलो बोलो। और कोई गुड़ मिलान दे लू? यही गुण है लड़की के, यही गुण है। 36 गुण नहीं होते, ये 5-6 गुण है लड़की के भी लड़के के भी। तो बहुत गलत है। उसमें सिर्फ चंद्रमा देखा जाता है, बाकी कुछ नहीं देखा जाता। और मूर्खता की बात है वो, उसमें एक वो देखते हैं गण, राक्षस ब्राह्मण, उनको औरत भी राक्षस नहीं नजर, राक्षस गण हो जाता है जिरानी का, पता नहीं कैसे। पर ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी पराशरी एस्ट्रोलॉजी बनी और ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के सिंपल पूरे अलग ही टेक्निक है, तो ये कब बनी होगी, ये पहले बन गई होगी? मैंने आपको शुरू में इसका जवाब दे दिया, भृगु ऋषि। हाँ, राइट। ये पराशर जो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, ये नाम की कोई चिड़िया नहीं, मैंने नाम ही नहीं लिया। ओके, वेदों में कोई ज्योतिष है नहीं, ये वैदिक नाम किसने रखा? एक ज्योतिषी है दिल्ली के अंदर, उसका नाम है केएल राव। ओके,
जब इंडिया थोड़ा सा ओपन हुआ यूरोप और अमेरिका के अंदर वेद जो है मशहूर हुए, फैशन हो जाता है, तो वो आए जो चीज वेदों के नाम पे आप अगर आप बेच सकते हो उधर, तो उधर बिकती। जैसे आप पिक्चर आई थी बॉबी, तो बॉबी चप्पल बिकती, बॉबी साबुन भी बिकता, तो बॉबी सब कुछ बिकता, ठीक है। तो वहां पर वेद नाम जो है बोलते वैदिक ज्योतिष भी, वेद में ज्योतिष ही नहीं। तो पहले उसकी बुक्स का नाम था वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज, अब उसने कहा सॉरी आई हैव कमिटेड अ सिन, नॉट दे आर इंडियन एस्ट्रोलॉजी सीरीज। अब उसकी बुक देखो, उसको लिखा इंडियन एस्ट्रोलॉजी सीरीज। बट वो एक बार जब मुंह पे चढ़ गई बात वही हो जाती। एक झूठ को अगर 500 बार बोल दिया जाए मेजोरिटी लोग बोलने लग जाएंगे, ठीक लालू क्यों जीतता रहा तीन बार बिहार में, बेवकूफ लोग। मैं क्या कर सकता। अब लोग बोलते जी उसकी मतलब तेंदुलकर को कैसे भारत रत्न मिल गया, तो कांग्रेस बेवकूफ है, मेरी ही गलती से। किसके साथ तुम कंपेयर कर रहे हो, भारत रत्न पहले तुमने किसको दी और अब किसको दे दी, कोई लॉजिक ही नहीं। जी हमको वो दिखाओ जी, वो अमिताभ बच्चन की क्या, और उसको अमिताभ बच्चन ने क्या नचनी है, नाचता ही है एक्टर। सलमान खान, शाहरुख खान एक्टर है, उनको बुलाओ पैसा तो जाना चाहिए, जहाँ बुलाओ पैसा तुम्हारे जेब में होना, जितना बड़ा एक्टर है उतना ज्यादा पैसा, तुमने चली है उसमें क्या होता। संजय जी हम लोगों का दिमाग में प्रॉब्लम आ गई है। पहले लेडी आइकन कौन है, महारानी लक्ष्मी बाई, विजय लक्ष्मी पंडित, भारत को किला सरोजिनी नायडू, आज सन्नी देवी, महिला शरारत, राखी दीदी, हमारे दिमाग में प्रॉब्लम नहीं है। तो अपना दिमाग ठीक करूंगी और उसको मत देखो, तो और उसको तुम क्या देखना चाहते हो। जितनी पब्लिक जिस तरफ पागल हो जाती है वो आदमी मशहूर हो जाते हैं। अपने लोगों को सेंटीमेंट जोड़ने देखने, लोगों की सांस होने की मजबूत है, बिचिंग वाले प्रोग्राम बढ़िया हो रहे हैं। वो क्या है लोग ये देखना चाहते, डिस्कवरी चैनल बंद हो गया, कार्टून नेटवर्क बंद हो गया, वो क्या बंद हो गया, नेशनल ज्योग्राफी बंद हो गया, लोग देखते हैं ना, तुम क्या दिखा रहे हो भाई। हम लोगों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, दैट इज इट, ठीक है। अब ये हो गया, अब हो गया मिस स्ट्रेस। तो मिस जो स्ट्रेस है, जो स्ट्रेस को मिस नहीं करे और ये हो गया लव का, ठीक है, लव अफेयर है और एक फैमिली बन गई, बट समाज ने उसको स्वीकृति नहीं, ठीक है ना। तो या तो इसको लिव इन कह दीजिए या इसको मिस्ट्रेस कह दीजिए। ये जैसे फाइव एट टू इलेवन सेवन मीन, फाइव एट ट्वेल्व टू इलेवन सेवन मीन, फाइव एट
2 to 11 7 5 12 2 11 ठीक है ना 7 तो ये अब लिव इन रिलेशनशिप हो जाएगा या मिस्ट्रेस हो जाएगा मिस्ट्रेस देने को है नहीं वहां पर कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन लगाना है और कॉमन सेंस लगाना है आपको जो किताबों में जो किताबें आपके पास हैं ज्योतिष की उनको फाड़ना है उनके कागज निकालना समोसा खरीदना है हलवाई की दुकान से उसको ऊपर रखना हरी चटनी के साथ खा लेना लाल चटनी से गला खराब कृपा कृपा नहीं बदल सकते कुछ नहीं करना सिंपल है किताब नहीं खरीदनी होगी क्योंकि जो किताबों के अंदर लिखा हुआ है वो अभी क्लियर हो गया जैसे मैंने बताया लिब्रा इज अनबैलेंस्ड बट दे फ्रॉम इयर्स टुगेदर इट इज बैलेंस्ड आपके सामने हो गया क्लियर हो गया इट इज इजी टू अंडरस्टैंड ठीक है अब लास्ट चीज रहेगी जो मैंने पढ़ानी है वो है डिवोर्स एंड रीमैरिज प्लस 1610 प्लस 812 प्लस राकेश इंडिया के अंदर क्या होगा कि 812 साथ में चाहिए इंडिया से बाहर नहीं चाहिए इंडिया से बाहर का मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर नहीं चाहिए यूरोप में नहीं चाहिए अमेरिका में नहीं चाहिए वो लोग जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं यस या नो 01 रोबोट्स वैसे ही बनाए गए उनके कपड़े देखोगे आपको वैसे लगेंगे बाहर कौन कौन गया है इंडिया से बाहर यूरोप आप गए कितनी बार गए चार पांच बार यूरोप अमेरिका तो ज्यादातर देखोगे यूरोपियंस के दे आए एक ही टाइप के क्लोथ्स वो ज्यादा लोग ऐसे ही ऑफिस में भी जाते तो अपना शॉर्ट और पहन के चले जाते सब कोई जरूरी नहीं कि वेल ड्रेस होकर के ही नहीं नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ कि उनके जो कपड़े हैं उनमें कोई ज्यादा डिजाइन नहीं होते आई सॉलिड होंगे सॉलिड वाइट सॉलिड ब्लू सॉलिड ब्लैक ग्रीन दिस या लाइन या स्क्वायर ऐसा ठीक है उनके डांस भी होंगे तो वो सीधे ऐसे सीधे हमारे डांस उनका कोई बच्चा भी होगा ना वो बच्चा ही बोलेगा यस माय नेम इज जॉर्ज माय फादर्स नेम इज माय मदर नेम आई गो टू स्कूल एंड सीधा सीधा हमारा बच्चा हमारे बच्चा ऐसे करके बात कुछ भी कर सकता है कोई कुछ भी हो सकता है क्रिएटिव लोग ये तो देखते थे आप देखो आप काला सूट पहना साथ में रेड है ब्लू है उनका वो गोल्डन है ब्लू है उसने येलो पहना है अच्छा कोई साड़ी कोई सूट कोई कुछ कोई मोटी कोई पतली कोई काली कोई ग्रे कोई नीली पीली हरी गुलाबी अब वहाँ देखो सारी एक कोट जैसी लंबी लंबी वही पैंट पहनी होगी लॉन्ग शूज पहने होंगे हम यहीं तक ही आते होंगे एक जैसी वैरायटी ना उनके उनके किसी भी चीज में वैरायटी हमारे वैरायटी वैरायटी खाने में वैरायटी कोई वैरायटी नहीं होता लैंग्वेज में वैरायटी कोई वैरायटी नहीं है कल्चर वैरायटी नहीं खाने में कोई वैरायटी नहीं कोई खाने में वैरायटी हमारे वैरायटी आप यहाँ महाराष्ट्र में ले लो वैरायटी राजस्थान की अलग वैरायटी राजस्थान का खाना खाते महीने तो वैरायटियाँ नहीं खत्म होती पंजाब की नहीं खत्म होती बंगाल की नहीं खत्म होती
मद्रास की नहीं खत्म होती, गुजरात की नहीं खत्म होती, बेस्ट है, सूरत आएंगे खत्म ही नहीं होती, क्योंकि वी आर वेरी क्रिएटिव डिफरेंट लाइफ में, उनका फिक्स है, वो उनकी जन्म पत्रियों में भी दिखता है, बड़ी अजीब सी बात है, 169 बड़ा क्लियर दिखता है, उनकी जन्म बहुत क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात, सूखे में सूखे ड्राई, वो 5 दिन काम ही करें, काम काम सवेरे जा रहा है शाम को आ रहा है, वही काम ही कर, कुछ नहीं कर, बस रोबोट टाइप का वो चीज है नहीं जो हमारे कोई, यहाँ तो मतलब बॉम्बे आके तो वैसे मजा नहीं आता, दिल्ली बहुत अच्छा, नहीं नहीं अब हमारे रेड लाइट है ना, जैसे रेड लाइट पे कुछ भी हो सकता है, वो बॉम्बे में नहीं होता, बॉम्बे में रेड लाइट पे खड़े जाते लोग, अभी पंगाओ कहता था क्या, वो एक सरदार का और एक लड़की का, नहीं नहीं वो तो हमारी आम आमदनी पार्टी है, सब जगह आम आमदनी पार्टी, अब वो बॉम्बे में नहीं हो सकती आम आमदनी पार्टी, बड़ी क्रिएटिव पार्टी, कुछ भी बोल देती है, कुछ भी करने लग जाता है, बड़े कमाल के लोग, ये क्रिएटिविटी ये जो है ना ये सब यूरोप में नहीं बनेगा, वो 169 है, वो सूखे से ट्राई से लोगा, यस नो, ये काम हो जाएगा यस, नहीं होगा होगा नहीं, हमारे यहाँ भाई साहब हो जाएगा काम यस है ये लोग पता नहीं जुगाड़ कर लेते अपने यहाँ कुछ नहीं बताइए, अब यही प्रॉब्लम हमें जो नेचर जो मैरिड लाइफ में मैरिज तो निकाला मैरिड लाइफ नलीफाई होने में बड़ा सारा मुश्किल है, कभी उसकी माँ ड्रामा कर रही है, कभी उसकी माँ ये ड्रामा वो ड्रामा, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जब तक 8-12 साथ नहीं आता तब तक ब्रेक नहीं होता, तब तक ड्रामे चलते रहते हैं, तो वी नीड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 16-18 टू ब्रेक फाइनेंस, सो दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द मिडिल क्लास, द रिच एंड द पुअर, रिच पुअर इज सेम लाइक इधर भी होगा अलग से एक अलग बॉम्बे होगा, हमारे यहाँ भी एक अलग दिल्ली है, तो दोनों की उधर की अलग दिल्ली है, साउथ दिल्ली वो यूरोपियन दिल्ली, यूरोपियन लोग, ये कॉम्बिनेशन है और महादशा अंतर या प्रयंतर में ये है मिस राहु केतु तो डिवोर्स तो भी ठीक है, कॉम्बिनेशन जुड़ने की दशा में हो, हाँ जुपिटर भी करा सकता है भुक्ति राहु की आगे, फिर ये तीनों का मतलब है एनीवन ऑब्लिक लिखा ऑब्लिक एनीवेयर, ज्यादातर भुक्ति होगी फिर अंतरा तो छोटा सा होकर निकल जाता है, भुक्ति 3-3 साल की 2-2 साल की ऐसे वी नीड अ लॉन्ग पीरियड टू ब्रेक इट, अब रीमैरिज का पूछते हैं दोबारा 2-7-11 आ जाएगा वही सेम तो और कुछ नहीं करना क्योंकि जैसे मैं जहाँ दिल्ली में रहता हूँ शायद इसकी एक वाइफ है वो मीन्स उनकी कास्ट की है और जो दूसरी वाइफ है वो बंदे से 15-16 इयर्स यंगर है पर वो वाइफ है और द फर्स्ट वाइफ हैज एक्सेप्टेड द सेकंड वाइफ आल्सो, दोनों वाइफ जाती है कल्चर मंदिर सोसाइटी में जो भी गणपति वगैरह की आरती होती है दोनों जाते हैं अटेंड करते हैं, वो फर्स्ट वाइफ से बेटी सेकंड वाइफ से एक बेटा है का ही तो उसका जुपिटर दिशा चल रही होनी चाहिए फिर आदमी की फिर वो तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन मेरे पास कोई हॉरोस्कोप नहीं है कि कौन से लोग दो शादियां करने की हिम्मत रखते हैं और एक साथ चलते हैं एक साथ वही साथ में भी रहते नहीं फैमिलीज अलग-अलग रहती है एक दूसरे एरिया में एक एक दो फ्लैट्स ऐसा हां वही ऐसा तो 3-3-4 शादी भी करते हैं एक साथ नहीं कोई रखता है और ना एक साथ करते हैं, नहीं मैं कह रहा हूं कि जैसे मुस्लिम का भी करते हैं तो बट वी डोंट हैव द एग्जांपल आई डोंट हैव आ जाए तो फिर हम देखें कि 10 ऐसे भी एक की नहीं हमको 5-7-10 मिल जाए फिर उस पर देखें कि वो ऐसे कमाल के लोग क्यों हैं, बट नॉर्मली वी हैव दीज क्वेश्चंस कमिंग एंड दीज विल बी द सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन वी कैन सॉल्व विद ऑल दिस कॉम्बिनेशन व्हिच आई हैव टॉट यू यू कैन डू इट इट इज नॉट दैट इजी जितना मैंने आसानी से आपको बताया आपको बड़ी मुश्किल होगी शुरू में करने में बट यू हैव अ गाइडलाइन आपको वही बोलना जो मैंने आपको पढ़ाया आप देखेंगे आपको रिजल्ट आ जाएगा बस इतना घबराने लगता है डर लगता है आदमी को कि मैं बोल दूँ
कि तेरी अभी शादी हो जाएगी, तेरा कुछ हो जाएगा, और जो ये है ना, ये तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तेरी टांग टूटे तोड़, ये नहीं बोलना, ये कभी नहीं बोलना, जानते बूझते भी नहीं बोलना, वैसे बता रहा वो एक का बोल दिए तब तो हम खैर एस्ट्रोलॉजी में नहीं, जब नए नए होते हैं तो हमें ज़्यादा बोलने का दिल करता है, कुछ फालतू बोलते हैं उसको, जो नहीं हो रहा वो भी बोल दें, तो किसी ने पूछ दिया बेटी की शादी कब होगी, हमने बोल दिया ये भाई जो है फरवरी में होगी, लव मैरिज होगी, तो ऐड करते चले देखते हैं जितना भी लव भी दिख गया, फिर मरकरी का भी लगा देंगे हम, जो आठ जो पढ़ाया जा रहे हैं तीन है प्रोसन का भी ठोक देंगे, आजकल नहीं करते हम, कहते हैं हाँ भी तब होती है बस खत्म कर देगा, अब पहले क्या लव मैरिज अच्छा चीज़ नहीं मानी जाती, आज से हम लोग 20 साल पहले चले, 21 साल पहले चले तो अच्छी नहीं मानी, मैंने कहा जी लव मैरिज होगी वो तो होगी नहीं जी बेटा जी मेरी तो कुड़ी है जी नहीं है नहीं जी नहीं ऐसी तो मिलती है, अब वो हमारे जो ससुराल पड़ोसन थी, अब हमने फिर वो लपेटना होता ना, नहीं मैं कहा वो मतलब मतलब ये लव मैरिज में मतलब है कि जैसे अगर कोई लड़का उसको पसंद आएगा तो वो पहले आपको बता दे, अब लपेटना सर, अब वो लड़की जो है जी वो फरवरी में भागी किसी लड़के से, अब उसमें सर पता नहीं वो उसकी किस्मत अच्छी होगी उस जोशी की, हमारी उतनी अच्छी नहीं है, वो पूरे मोहल्ले में फैला दिया उसने, इसके जवाई की भी इनके जवाई की जबान बड़ी काली है, हमारी जबान काली हुई, तो वी शुड रिस्ट्रेन फ्रॉम स्पीकिंग अ लॉट, वी शुड रिस्ट्रेन फ्रॉम स्पीकिंग रॉन्ग, मतलब रॉन्ग नहीं नेगेटिव, ये भी ध्यान रखना है, मतलब हम नेगेटिव ना ज़्यादा बोलना नहीं है, हमारी अपनी जन्म पत्रियाँ भी अच्छी नहीं है अगर हम ज्योतिष पढ़ते हैं, सर ऐसा है एक केस हुआ है तो उसमें किसी का चार्ट देखा था, तो उसमें उसको बोला था कि हेल्थ का प्रॉब्लम रहेगा, और जो तो हेल्थ का प्रॉब्लम पूरा उसको हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ, लेकिन बाद में आके मुझे बोला मेरा सर्जरी होगा तुमने मुझे क्यों नहीं बोला, हाँ तो वो भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं बोलूंगा तो भी प्रॉब्लम है, ऊपर यार अपनी पत्री भी तो है ना, अरे अपनी पत्री भी तो है ना, हमें उस चीज़ का फायदा मतलब क्रेडिट मिलना है या क्रेडिट नहीं मिलना है, वो हमारी हॉरोस्कोप भी है तो वो उस वजह से होता है, कह रहे हैं एनीवे देवंजन लास्ट टाइम मैंने ही केम तो देवंजन जॉइन मी हियर तो राजन आप थे और तीन चार लोग और थे वो ऐसा सर वत्सर के साथ, ये वत्सर की सिस्टर है तो ये वैसे तो कलकत्ता से हैं बट ही इज वर्किंग हियर इन मुंबई फॉर लास्ट 4 ईयर्स, वो जो आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से कह रहे हैं वो अलग चीज है सर, वो जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है वो एस्ट्रोलॉजी नहीं है, पहले तो ये समझ लेते हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें क्या है कुछ पाम लीव्स, वो पाम लीव्स से आपका पहले अब हम प्रिंट देंगे और उसके साथ वो मैच करते हैं पाम लीफ को, फिर उस जो पाम लीफ में जब आपका मैच हो गया उसमें से पढ़ के आपको बताएंगे ठीक है, वो कितना गलत ठीक उस पर बाद में रख लेते हैं, तो वो ये कहते हैं दीज आर नाड़ी लीव्स, और ये लीफ जो है पहले ही लिख दी गई हैं जो पुराने ऋषि बने, 16 ऋषियों ने इस पर काम किया था, वो भगवान शिव और पार्वती का वार्तालाप सुन रहे थे, भगवान शिव बता रहे थे कि मिस्टर बाला विल बी लाइक दिस 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 बॉर्न दिस दिस पेरेंट्स नेमिंग दिस विल गेट मैरिड टू दिस विल हैव दिस चिल्ड्रन नेमिंग दिस एंड विल बी डूइंग दिस और हेल्थ की कोई ये प्रॉब्लम या विदेश जाएंगे ज्योतिष पढ़ेंगे आगे हायर एजुकेशन वो सारा उन्होंने लिखा है ऑलरेडी, तो वो जो लिखा है तो वो उसी को लिख के बता रहे हैं, वो ओल्ड उनकी द्रविड़ लैंग्वेज है तो उसको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं, उसमें ज्योतिष तो कहीं है नहीं, उसमें फिर वो पास लाइफ भी बताते हैं कि इस जन्म में जो आप ये ज्योतिष सीख रहे हैं क्या आपके पुराने जो है दुष्कर्म जिस वजह से आप इस लाइन में या क्या आपने अच्छा किया तो यहाँ और अगले जन्म में आप क्या बन तो वो बताते हैं, लेकिन हम क्योंकि वेरीफाई नहीं कर सकते ना, अब जैसे मैंने इनको कहा कि भाई आप ला दीजिए 5-7 और उसको भी हमारे पास हो जाए, जिन लोग 2 शादी करते हैं तो फिर हम उसको अपना स्टडी करके देखेंगे, फिर हम एक फार्मूला बना देते हैं 2-3 शादी वाले आदमी के क्या, अब पिछले जन्म को कैसे वेरीफाई करूं, इसलिए मैं सबको महाराजा पटेला जाता हूँ और अननेसेसरी है उसका मतलब ही नहीं है पिछला जन्म अगला जन्म, ज्यादातर जो ये ज्योतिष पढ़ाते हैं उनके प्रॉब्लम यही है तो यही पढ़ाते हैं,
पिछला जन्म अगला जन्म उसकी सास कैसी होगी, तुम्हारी सास कैसी होगी, तुम्हारे भाई बहन कितने होंगे, बहन को क्या होगा, बुआ को क्या होगा, मासी को क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू कौन था, शास्त्री का क्या हो गया, इंदिरा गांधी क्या थी, राजीव गांधी के छह प्लेनेट वहाँ थे, हमारा मतलब हमें तो जो हमारे पड़ोस में है उसकी जो बेटी की शादी हो रही वो पूछेंगे मेरी बेटी की शादी, हम उसको पता नहीं भी है था। वो पता नहीं कौन से देयर रिमेन डिफरेंट प्लेन्स, वो उसी की बात करेंगे, ऐसा ही है मैंने देखा जो हमारे यहाँ भी भारतीय विधवा भवन है तो उसमें भी यही करते हैं, वो कोई और ही दुनिया में रहते हैं, ठीक है। तो ये डिवोर्स का मैरिज के अंदर और कोई चीज़ नहीं रह जाती, जो कोई सवाल है कोई आपका होल पूछ लीजिए फिर। सर एक चीज़ पूछनी है, एक बार वो किसी की बात हुई थी ना, आपने बोला था कि होगा फिर टूटेगा, होगा टूटेगा, तो वो वही है 1 6 8 12 क्या क्या टूटेगा वो मैंने आपको पति बताई थी, तो आपने कहा था ना कि अभी जो रिसेंटली बात हुई थी कि मतलब नेगेटिव है, फायदा नहीं है, लॉस ही लॉस है, तो उसमें फिर वो 5 12 आया होगा फाइनेंशियल लॉस भी, आपने कहा था कि ये नो फाइनेंशियल लॉस हो जाए किसी का, 5 12 भी होता है फाइनेंशियल लॉस, 6 12 और 5 8 12 तो वही चीज रही हो। और एक का आपने बताया था कि जैसा पुराना चलता है होगा वो वैसे ही चलेगा, जैसे हम बात कर रहे थे कि शादी नहीं होगी लेकिन वो प्रोसीजर जैसे ब्रेक ब्रेक होता रहेगा, दूसरा फिर करने को तैयार है ताकि वो भी टूटे, अच्छा वो भी 5 6 8 12 भी तो है, तो फिर वो शॉर्ट पीरियड्स के लिए होते हैं, किसी कुंडली में 1 6 10 2015 शुक्र है ना, 3 7 12 1 9 3 ठीक है, ये वीनस है, उन्होंने मैरिज देख लिया तो ये मैरिज के लिए पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, 7 इज पॉजिटिव 1 इज नेगेटिव अदर्स आर न्यूट्रल, ठीक है, और ये वीनस है इट इज वेरी गुड, ये पॉजिटिव हो गया, ये 50-50 है, ये पॉजिटिव, ठीक है, अब इसमें 7 नहीं आया बट वो 7 इसमें है तो वीनस मर्करी, और वैसे भी वो वीनस है, ठीक है, अब वीनस मरकरी मरकरी भी है केतु में आ जाते हैं सर, 4 8 11 2 5 10 4 8 11 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये 100% पॉजिटिव ये 50-50 ये 100% पॉजिटिव, तो ये दशा ये मुक्ति ये अंतरा यही करा देगा सर। मरकरी और केतु सेम है? हाँ सेम ही है, अभी मैंने बताया थे और उसको जिसमें मैंने दिखाया था आपको सिंगल साहब का बेटा 5 9 12 5 9 12 3 4 पता नहीं 12 था समथिंग, अब ये क्या है ना पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऊपर आती है तो इसका नेक्स्ट हम देखेंगे और क्यों भी देखेंगे नहीं, इसके बाद ये अगर आ जाता है ये दस इस दशा दस भुक्ति सो यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है, इफ दैट टू अप नहीं दिस ओके, लेकिन फिर अगर आगे जैसे ही अंतरा कोई और अटैच होता है ओके हो जाएगा, इसका पहले ही अंतरा ये हो ही जाएगा, देखना ही पड़ेगा सर कोई बात नहीं,
ऐसा इसमें 7 यहाँ से ले लेगा, 211 यहाँ से ले लेगा, हमारा काम हो गया, इतने में ही हो गया। ये इसके बाद अगर ये पहला अंतराय तो इसमें भी हो सकता है, क्योंकि तीन वीनस और मरकरी दोनों को मिला के इधर से 7 इधर से 211 मिल गया। ये जरूरी नहीं है कि सर हर प्लैनेट में आपको 2711 मिलेगा, ये रेयर ही होगा कि 9 में से एक कोई प्लैनेट मिल जाए जिसमें 27 भी मिले और 11 भी मिले। वो कैसे पॉसिबल है कि जैसे एरिज असेंडेंट है ना सर, एरिज असेंडेंट तो भी है, इसमें ये वीनस 27 का लॉर्ड है और वीनस अगर यहाँ बैठ जाता है तभी पॉसिबल है ना 2711। तो नॉर्मल या इधर जैसे 11 हो या 2 हो या 7 हो, जरूरी नहीं है ना। तो 9 में से कोई एक आधा ही प्लैनेट ज्यादातर जन्म पत्रियों में मिलेगा जिसमें पूरे में 2711, कईयों में तो कईयों में मिल जाएंगे जी, लेकिन मेजोरिटी हॉरोस्कोप्स के अंदर किसी में 211 मिलेगा प्लैनेट में, किसी में 711 मिलेगा, किसी में 7 मिलेगा, उधर 2 मिलेगा, इधर 11 मिलेगा, तो हो जाएगा, क्योंकि ये सबकी हो जाती शादियाँ। लेकिन जो उन्हीं में प्रॉब्लम आएगी जो इवेंट्स बहुत कम होते हैं, कौन से कम, डकैती, रेयर अरेस्ट, इम्प्रिजनमेंट, किडनैपिंग, मेजर एक्सीडेंट, छोटा मोटा, ये इसमें फिर क्लियर कट चाहिए पूरे पूरे कॉम्बिनेशन। ये जो है ये उधर से 2-11, उधर से 7, इधर से 2, उधर से 11, ऊंचा, क्योंकि सबकी शादी हो जानी है नॉर्मल, मिली जुली सरकार, मिली जुली सरकार, ठीक है। और फिर प्रश्न हाँ जी बोलिए बोलिए बोलते हैं कि जवाब तो सुनो, बट सर वो 25% भी सही नहीं करता। नहीं एक मिनट पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ये 9 प्लैनेट्स की डायरेक्शन है, ठीक है, आपको 3 प्लैनेट बता दीजिए, ठीक है, उनकी दशा भुक्ति अंतर में जैसे हम प्रेडिक्शन दे रहे हैं उसमें मैरिज हो जाएगी, तो कोई 3 में कोई बता दीजिए। सन सन में केतु और केतु में वीनस, क्या करेंगे, ये हमारे पास समझ लीजिए इसमें उसकी शादी हो रही है, एग्जाम्पल विच एग्जाम्पल शीयर से, अब क्या करेंगे हम वेस्ट को ईस्ट से काट देंगे, तो रिजल्टेंट क्या बच गया, साउथ ईस्ट, साउथ सिर्फ साउथ, अच्छा हाँ ईस्ट भी बचा, क्योंकि ना आ रही है ना जा रही है, खड़ा खड़ा करा रही है, क्योंकि बोथ आर ऑपोजिट, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे साउथ ईस्ट से है। ये पता क्या होता था, ये पहले होता था कि कम शहर होते थे, तो एक आइडिया लेने के लिए कि भाई इस तरफ से शहर से शादी होगी या उस तरफ से, आजकल हम कुछ नहीं कह सकते, अब ये कलकत्ता के हैं, बॉम्बे में आके फंस गए, कल हो सकता है इनको बेंगलोर में जॉब मिल जाए, ठीक है, अब इनकी बेटी हो या बेटा हो, अब हम बोले जी वो बेटा जो है वो साउथ से आएगा या ईस्ट से आएगा, अब वो बच्चा समझ लो बेंगलोर में ही है, अब लड़की भी बेंगलोर की मिली समझ लो, अब हम कन्विंस हो जाएंगे कि लड़का ईस्ट से आया, तो आया ईस्ट से, लेकिन होता अब आया वेस्ट से, साउथ से आ गया, लेकिन आया ईस्ट आजकल वक्त रहा नहीं ना, वो अब कुछ पूछते तो कह देना, आप नहीं मानते तो और बात नहीं, क्या कर, लेकिन प्रिडिक्ट नहीं किया आपको डायरेक्शन प्रिडिक्ट, ये आप इस तरह से करेंगे तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, ज्योतिष में और कोई तरीका नहीं है, डायरेक्शंस का एक ही तरीका है कि देयर डायरेक्शंस ऑफ प्लैनेट्स ओनली,
बाकी वैसे इनकी भी हाउसेस की भी डायरेक्शन बोलते हैं, हाउसेस की भी डायरेक्शन है, लेकिन ये ठीक नहीं है। जैसे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो प्लैनेट कौन सी जगह पे बैठे हैं उस हिसाब से डायरेक्शन आप बता दीजिए। बट इससे बेटर वैसे ये रहता है, हम और चीज़ों में यूज़ करते हैं। और किस चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कार खो गई, बच्चा घर से भाग गया, ठीक है, कोई लड़का है 22-24 साल का, उसको कोई गंदी लड़की बेलाप सुना के अपने साथ ले गई, हो सकता है। तो ये हाउसेस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं, एक बार हम नक्षत्र ये सब देख ले, उस पर ही स्टिक करना है, फिर ये हाउसेस के अंदर की प्लैनेट्स को देखना है। बट वी अगर सपोज द सन इज हियर, सो वी आर एबल टू नो दैट सन इज इन दिस 30 डिग्री, but when we are making this sun is placed in ketu nakshatra and say venus and lord, so what we are talking about this subdivision. Okay, so sun is placed here, or if rather sun is placed here, yes. So I am more precise, yes, ki ghar ke andar wo baitha kahan, bathroom mein hai, right, kitchen mein hai, kitchen mein bhi wo bartan dho raha hai ya biwi ke liye kuch bana raha hai. कोई बात नहीं, तो आज नेक्स्ट टाइम में तो तुम तो रहते हैं, फिर बताएंगे। तो लिटिगेशन और चाइल्ड वर्क कल मिनिमम ये करना ही करना, और कुछ भी होगा छोटा मोटा होगा। करियर नहीं करेंगे, करियर और एजुकेशन परसों, बिना लिटिगेशन के हम नहीं कर पाएंगे, विल नॉट बी एबल टू, समझ गया। एक और चीज है, धन योग, जैसे कोई भी लोगों के इसमें प्रोफेशन में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी लोग and the second is not that knowledgeable, say fakeology, बहुत अच्छा बोलता है और उसके पास line लगी है, you know, क्यों? क्योंकि उसके कुंडली में धन योग, he is gonna make money somehow or other. Madam, you know, जो बच्चे first आते हैं, वो doctor बनते हैं, and then you know, second आते हैं, engineer, then you know, उसके नीचे जो होते हैं, वो जो बेचारे जो है, वो फिर IAS वगैरह, उसके नीचे वकील बनते हैं, उसके नीचे accountant बनते हैं, sorry, chartered accountant, फिर accountant, फिर clerk, फिर चपड़ासी, और जो बसें तोड़ रहे होते हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, अब यू नो, देश चलाते हैं, अब यू नो, और वो जो क्लर्क है उसके पास वो डॉक्टर खड़ा होता है, वो मेरे टीए बना दे, डीए बना दे, मेरा वो रह गया, ये रह गया, बोले डॉक्टर साहब बाद में ना कर लाना, नहीं नॉर्मली विल फाइंड दिस विल बी डिस्कस द पीपल हु आर मोर नॉलेजेबल हु हैव मोर डिग्रीज दे हैव very good in education are zero in profession, and people who are not been are always climbing the walls of the schools. क्या बात, आप देखिए MBA जो किया बच्चा है, उसका जो MBA का स्कूल है, MBA का कॉलेज है, उसका प्रिंसिपल बड़ा गर्व से कह रहा होता है कि हमारे बच्चे जो है वो उसको 15 लाख रुपए के पैकेज मिल गया, 50 लाख का पैकेज मिल गया, 20 लाख का पैकेज मिल गया, तो प्रिंसिपल से पूछो भैया वो बच्चा कहाँ पर लगा जाके, बोला अंगूठा टेक गुजराती के पास, और डिग्री क्या है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कर क्या नौकरी, यही कमाल है मैम। ये कौन है, जुकरबर्ग, कुकरबर्ग, फेसबुक अंकल, मार्क जुकरबर्ग, थॉमस एल्वा एडिसन अनपढ़, आइंस्टाइन अनपढ़, रामानुज मैथमेटिशियन ग्रेट ब्रिटेन अनपढ़, नहीं क्या चक्कर है, जिन्होंने पैसा कमाया ये तो पक्के अनपढ़ पैसा कमाया। आप अगर अच्छी आप एस्ट्रोलॉजी सीख लेंगे देन यू विल बी एबल टू नो कांगे बुक, मतलब आप पढ़ लेंगे, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेंगे तो जो मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें ये है कि एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, तो उसमें परमहंस योगानंद जी कहते हैं अ चाइल्ड इज बॉर्न ऑन द डे एट द टावर विद द सेलेस्टियल रेज़ आर इन मैथमेटिकल हार्मनी विद इंडिविजुअल कर,
अंग्रेजी में बोल रहे हो, घबराना मत, अंग्रेजी बोल रहा हूँ. A child is born on the day at the tower. उस समय पे बच्चा पैदा हो गया. When celestial rays are in mathematical harmony, जो rays हैं in harmony with individual कर्म, उसके कर्म के साथ उसकी resonance है. मतलब तो उसने जो पहले किया है उस हिसाब से उसका जन्म मिला. अब मैडम ये तो मेरे को नॉलेज मिल गई, और मेरे को नॉलेज मिल गई कि मेरी शादी तब होनी ही थी, मेरा ये कमाना ही था, मैंने ये खोना ही था, मेरा ये सब होना ही था. अब मैं ज्योतिष बन गया. अब बताइए मैडम, मैं किसी को झूठ बोलूं, मेरा दिल घबराता है कि अगली बार मैं क्या बोऊंगा इसमें, ये क्या बो के जा रहा हूँ तो क्या कमाऊंगा इसमें. जिसने पढ़ी नहीं उसने तो जेब में पैसे देखने हैं, जो मर्जी बोल के निकल जाना. दिस इज द प्रॉब्लम. तो जब एजुकेशन हो जाती है तो आदमी डरने घबराने लगता है, इसलिए वो कमा नहीं पाता. दवाई बेचेगा, साइंटिस्ट को पता है इस दवाई बेचने के साइड इफेक्ट क्या है. मेडिकल रैप को कोई लगा देगा नहीं. उसने कहा डॉक्टर साहब ये दवाई आप रिकमेंड कर देना, आपका नॉर्वे का ट्रिप पक्का. मेडिकल रैप ने जो पैसे कमाए साइंटिस्ट ने कमाए नहीं. तो डॉक्टर झोला छाते हैं, सिर्फ MBBS है वो कमाया, और जिसने रिसर्च की फलाना किया ढिगड़ा किया वो बेचारा. तो ये तो किस्मत है मैडम. लक्ष्मी जो है ना मैडम उल्लू की सवारी. तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस हो के नजर को. हाँ, एजुकेशन के अलग है, प्रोफेशन के बिल्कुल अलग है. एजुकेशन और प्रोफेशन के बिल्कुल अलग है ना. जो एजुकेशन के हैं आप देखेंगे उनका प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है, उनका बिल्कुल डिफरेंट है. जो रिसर्चर्स के बिल्कुल डिफरेंट है, उनकी जिंदगी बिल्कुल हेल है. रिसर्चर की जिंदगी है धक्के खाते रहे. आप आइंस्टाइन की जिंदगी आप देखो, फर्स्ट जर्मनी रहता तो हिटलर का मारना चाहता था उसको, वहाँ से उसको मतलब मारने का फतवा जारी हो गया था, वहाँ से बड़े मुश्किल से जान बचा लेता था आइंस्टाइन. उसको क्या लेना देना, मतलब आइंस्टाइन को झगड़े से क्या लेना देना, बट हिटलर उसके पीछे पा जीव था. जीव था जो भी है सर, हिटलर जाने ज्यूस जाने. और बताओ क्या स्वाद. हाँ, यू पीपल हैव 15-20 मिनट्स. यस सर, ऑल द टाइम ऑल द टाइम. एक मिनट सर बंद करना.